नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक के नाम से। दीपावली की बात करेंगे। दीपावली का जो ये त्योहार होता है बहुत ही खास होता है और इस समय पे अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और क्यों ना हो, 5 दिनों का ये त्यौहार ऐसा लगता है जैसे जीवन में रोशनी हो गई। इतनी लाइट्स, इतने दीपक और इतनी सारी चहल पहल हर जगह। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा खुशहाली का आगमन हो रहा है। और ये जो मौका होता है ये बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इस मौके पर अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं, बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं बताऊंगी दीपावली की, तो इस समय पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली आती है, धन संपत्ति आती है और अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। क्योंकि ये जो पर्व होता है आपने देखा होगा, इसमें माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है। अगर हम पुरानी कथाओं के अनुसार देखें कि इस पर्व पे माता लक्ष्मी की इम्पोर्टेंस क्यों मानी जाती है, तो ऐसा कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जो थी वो अमृत कलश ले करके दीपावली की रात को, यानी तिथि की बात करें तो कार्तिक अमावस्या पे निकली थी, प्रकट हुई थी। और इसी तरह से माता लक्ष्मी जो है पूरे संसार में भ्रमण करती हैं, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के समय पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं तो वो हर जगह देखती हैं। और अगर ये हम वैसे भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको भी वहीं पे अच्छा लगेगा जहाँ पे साफ सफाई हो, खुशबू आ रही हो, लाइट्स हो। तो इसलिए दीपावली की रात को जो है साफ सफाई का, दीपावली के पर्व पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है विशेष तौर से। और इसके अलावा इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, घर के बाहर जलाए जाते हैं, घर में जलाए जाते हैं और लाइट्स जलाई जाती हैं। कुछ लोग होते हैं कि दीपक की जगह कैंडल्स जला देते हैं। देखिए, कैंडल्स अगर आप जलाते हैं तो वो कुछ खास अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि कैंडल्स जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती हैं और ये जो होती हैं कहीं ना कहीं काली शक्तियों का आवाहन भी करती हैं। और कैंडल्स जो होती हैं वो शोक में मत जलाई जाती हैं, और दीपावली का पर्व शोक का नहीं होता है बल्कि खुशी का होता है। तो इसलिए जो दीपावली पे जलाए जाते हैं वो दीपक जलाए जाते हैं। अब इसके अलावा इस दिन जो है दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दान करने से आपके कर्मास तो बैलेंस होते ही होते हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी को दान करते हो इस दौरान तो आपको उस दान का अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप दीपावली की सुबह दान कीजिए। दान करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि दीपावली की संध्या काल में आपको दान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रख करके चलना है। इसके अलावा इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये जो तिथि होती है अमावस्या तिथि होती है और अपने पितरों के नाम का हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं दीपावली पर। इसके अलावा इस दिन खील बताशे जो हैं आपको कहीं कहीं हर एक कोने में अपने घर में डालने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसे खील होती है चावलों से बनी होती है और ये फूल जाती है, इसी तरह से आप भी और आपका परिवार के सदस्य भी फले फूले। इसीलिए खील जो है अलग अलग कोनों में डालनी चाहिए, मगर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉशरूम की साइड आपको या नाली की साइड आपको नहीं डालनी है, ड्रेनेज की जगह पर। इसके अलावा इस दिन जो है कम से कम आप जो दीपक जलाएं वो 21, 51, 101 इस तरह से दीपक जलाएं, ऐसा रख करने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन झाड़ू दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन अगर आप झाड़ू का दान करते हैं मंदिर में या फिर अगर देखा जाए तो अपने घर के लिए भी आप लेकर के आते हैं झाड़ू, तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना जाता है। इस दिन दीवारों पे आपके मुख्य दरवाजे के जो दीवारें हैं साइडों में वहाँ पे शुभ लाभ लिखा जाता है और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। शुभ लाभ लिखने का महत्व ये होता है कि भगवान गणपति जी का चिन्ह जो है वो है स्वास्तिक, और इनके जो दो बेटे हैं शुभ और लाभ, कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ों का संकेत देते हैं कि जो भी आपके घर में आगमन हो बहुत शुभता से हो और जो भी आए उससे आपको बहुत लाभ हो। तो इसीलिए शुभ लाभ का प्रतीक आपको चिन्ह जो है ज़रूर लिखना चाहिए नारंगी रंग के सिंदूर से, क्योंकि ये भी भगवान गणपति जी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ आपके घर से जो नकारात्मकता होती है वो बाहर रहती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो दीपावली पर आप कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप मैं और देना चाहूंगी आपको, दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात क्या है
कि कमल जो है, कमल यानी लोटस या फिर गुलाब के पुष्प जरूर होने चाहिए माता लक्ष्मी के लिए, क्योंकि इनको ये चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं। इसके अलावा आप जो है कमल गट्टे के बीज भी रख सकते हैं इनकी पूजा करते समय, और पीली कौड़ी भी रख सकते हैं। इन चीज़ों को रखने से माता लक्ष्मी जो है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और भी ऐसे वीडियोस लेकर के मैं आऊँगी केवल अपने चैनल पे करिश्मा कौशिक को, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय श्री राधे, और सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।